नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। जानकारी दे दें कि शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज अदालत के सामने उन्हें पेश किया जाएगा। ईडी ने बीते 4 नवम्बर को संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह पर आरोप है कि आबकारी नीति का दुरुपयोग उन्होंने अपने निजी फायदे के लिए किया है। साथ ही कारोबारी दिनेश अरोड़ा संघ मनीष सिसोदिया की मुलाकात भी संजय सिंह ने ही करवाई। कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह पर आरोप लगाया है कि संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने 82 लाख का चंदा इकट्ठा करके उन्हें सौंपा था। हालांकि संजय सिंह अपनी गिरफ्तारी को पूरी तरह से गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताते हुए नजर आ रहे हैं। गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए संजय सिंह दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करते हुए नजर आए। बीते 20 अक्टूबर को संजय सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए मामले में सुनवाई आगामी 11 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। ऐसे में अब देखना होगा कि आज आखिरकार राउज एवेन्यू कोर्ट का क्या कुछ फैसला संजय सिंह को लेकर आता है। क्या संजय सिंह की न्यायिक हिरासत एक बार फिर से अदालत बढ़ाती हुई नजर आएगी? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।